ऑल एसेट्स यू नीड फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग। पहले नंबर पे जो एसेट्स आता है वो आता है हमारे पास फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज को क्रिएट किस तरीके से करना है, चले मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, उधर हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है ना, उसको आप लोगों ने लॉग इन कर लेना है। फर्क नहीं पड़ता नई है पुरानी है, आपकी अगर पर्सनल भी है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी प्रोफाइल आगे शो नहीं होगी एडवर्टाइजमेंट में, ये जस्ट आपके पास जो भी प्रोफाइल है ना आपकी, जो पुरानी सालों पहले आपने बनाई थी, उसको आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है, मेक श्योर करना है। अब पेज क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल से इधर आपको एक बर्गर मेन्यू मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे जैसे ही तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, नीचे इधर पेजेस लिखा हुआ आएगा। सिंपल से इस पेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा इधर। अब ये मेरा ऑलरेडी मैंने एक पेज बना के रखा हुआ है शिफ्ट ऑफ इज YT के नाम से, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके लाजमी फॉलो कर लेना। ओके, अब इधर न्यू पेज क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू पेज का बटन शो हो रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। एंड गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय wristme.in। अगर आप एक स्मार्ट वॉच लवर हो और स्मार्ट वॉच पहनना पसंद करते हो तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत मजे की होने वाली है। और अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो इनकी एक डील भी चल रही है, HYS9 स्मार्ट वॉच अल्ट्रा एमुलेट डिस्प्ले है जिसपे आप लोगों को 3 स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत अमेजिंग आर्टिकल्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, जाओ जाके चेकआउट करो। और अगर कोई पसंद आ रहा है आर्टिकल तो आप लोग बाय भी कर सकते हो और थोड़ा रेफरेंस भी दे देना कि शिफ्ट ऑफिस की तरफ से आए हैं, डू चेक इट आउट। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। पेज का नाम देना है आप लोगों ने, आपकी जो भी शॉप है, आप ई कॉमर्स कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग या जो भी कर रहे हो, उसके लिए आप लोग जो भी आपका बिजनेस है ना उसका आप लोगों ने नेम रख देना है या जो भी पेज का नाम रखना चाह रहे हो वो इधर डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी में आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल मेरी एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसी लिहाज से आप लोगों ने जो भी आपका पेज होगा उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने बायो लिखना है, ये लिखो ना लिखो ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आप लोग ये लाजमी दो। एक जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे ना तो आपका एक फेसबुक को भी लगेगा वाकई ये वेरीफाइड बंदा है, ऑथेंटिक बंदा है, कोई मतलब के इस तरह का काम नहीं होगा। तो आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन दो। अब आपने इधर क्या देना है, इधर आप लोग अबाउट में आगे अपने स्टोर से रिलेटेड, आपका ई कॉमर्स स्टोर है या जो भी है उस रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है फेसबुक को। उसके बाद क्रिएट पेज का ये बटन अभी तो विजिबल नहीं है, लेकिन जब आप ये इन्फॉर्मेशन डालोगे इधर क्रिएट पेज का जो बटन है वो विजिबल हो जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज जो है वो फौरी क्रिएट हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। अब मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ है अपना पेज, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आप लोगों ने सेटिंग भी करनी है, सारी आप लोगों ने चीजें कस्टमाइज करनी है, अच्छे से अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है। जब आप लोग अपने पेज को ऑप्टिमाइज अच्छे से करोगे देन आप लोगों को ये जो सस्पेंशन और मेरा अकाउंट उठ गया और सस्पेंड कर दिया फेसबुक ने, ये जो रोले है ना ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चल के मैं डिटेल में बताता हूँ क्यों आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, कैसे आप लोगों ने बचना है, लेकिन अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ ना ऑप्टिमाइजेशन उस पर लेके चलता हूं मैं आपको। अब ये समझ आ गई इतना कि अकाउंट इस तरीके से बनना है, इसको मैं इधर से कैंसिल करता हूँ। अभी ये मेरा जो पेज है ना शिफ्ट ऑफिस YT का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इधर से मैं स्विच कर लेता हूँ अपने पेज पे, मैं अपने पेज पे लेके जा रहा हूँ आपको भी। ओके, अब इस तरीके से आपका भी पेज शो होगा जब आप नया बनाओगे। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है ऑप्टिमाइजेशन में, आप लोगों ने अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अपने पेज पे। ओके, अपने ब्रांड से रिलेटेड अगेन से मैं चीज मेंशन कर रहा हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो जिस रिलेटेड भी है उस रिलेटेड आप लोगों ने अपने पेज को अच्छे से प्रोफेशनली डिजाइन करना है। प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, एक अच्छा सा बैनर बना के लगाओ, उसके बाद आप लोगों ने अपना अबाउट सेक्शन डाल देना है। इधर मैं आपको अगर अबाउट में आगे भी दिखाऊं तो मैंने प्रॉपर अच्छे से अबाउट सेक्शन दिया हुआ है, फेसबुक को ये नहीं लग रहा कि ये बंदा कोई मतलब दो नंबर ही कर रहा है या इसने अभी अकाउंट बनाया है फौरी तौर पर और फौरी इसने एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर बना लिया है, फौरी तौर पर बिजनेस सूट्स है, उसके बाद फौरी तौर पर उसने एड अकाउंट बना के अपनी एड चलानी शुरू कर दी है। जब आप लोग ये चीजें करते हो तो फेसबुक आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर देता है। आप लोगों ने इधर अबाउट सेक्शन में आगे देखो, अच्छे से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फो प्राइवेसी पॉलिसी वर्क एजुकेशन ये जितनी भी डिटेल्स है ना आप लोगों ने सारी इसको प्रोवाइड करके ना अच्छे से अपने पेज को क्रिएट कर लेना है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका जो फेसबुक पेज है ना वो बचा रहेगा, वो सस्पेंड नहीं होगा। आप लोग मुझे पता है बहुत इशू आते हैं आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है अपने फेसबुक पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। अब जैसे मैंने बताया प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, बैनर लगाओ, अबाउट सेक्शन दो, अच्छे से सारी चीजें करोगे तो आपको ये इशू देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, आप लोग गलती ये करते हो, आप लोग एट अ टाइम पोस्टिंग करनी शुरू कर देते हो अपने पेज पे, 5, 10, 20, 100 एट अ टाइम आप लोग पोस्ट कर देते हो। हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि हम जितनी ज्यादा पोस्टें करेंगे उतनी ज्यादा रीच आएगी, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे।
तो ये तो वही कहावत होगी, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ये वो साफ कर दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। एट अ टाइम आप लोगों ने इतनी ज्यादा पोस्टें नहीं कर देनी अपनी पेज पे, आप लोगों ने दिन में 2 से 3 पोस्टिंग करनी है बस, इससे ज्यादा नहीं करनी। और 10 से 15 दिन आप लोगों ने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जब आप लोग इस तरीके से काम करोगे तो देन आपका जो पेज है वो सेफ रहेगा। एसेट नंबर 2, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को कैसे क्रिएट करना है। अब बिजनेस सूट क्या है, न्यू इंटरफेस क्या होता है, ओल्ड इंटरफेस क्या होता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। और अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका क्लाइंट जब आपसे ये सारी चीजें देता है तो आप उनको क्या कहते हो, आईडी पासवर्ड दे दो। प्रोफेशनल वे नहीं है आईडी पासवर्ड वालों, आप लोगों ने क्या करना है मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर को यूज करना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर आप लोगों ने सबसे पहले business.facebook.com/overview ये URL आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अब ये ओपन करने के लिए आपने पहले अपना आईडी जो है वो लॉग इन करके रखनी है अपने फेसबुक की। उसके बाद इस URL को आप लोगों ने ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इधर आप लोगों को इधर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, अब ये विंडो खुल जाएगी। अब इधर वो पहले नंबर पे कह रहे हैं योर बिजनेस एंड अकाउंट नेम, बिजनेस या अकाउंट नेम का आप नाम बताओ। इधर आप लोगों ने अपना जो भी स्टोर है, जो भी वेबसाइट है या जो भी आपका बिजनेस है ना, उसका आप लोगों ने नाम दे देना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है योर नेम, इधर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। तीसरे नंबर पे आता है योर बिजनेस ईमेल, इधर आप लोगों ने अपनी यही जो ईमेल आईडी है ना, जिसपे आप लोग फेसबुक बनाया हुआ है या वैसे कोई एक ईमेल आईडी होगी आपके पास, उसको आप लोगों ने इधर पुट कर देना है। तो मैं जल्दी से इनको एंटर करता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं। सो इन्फो मैंने सारी फिल कर दी है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे आप लोग उसे सबमिट करोगे, नेक्स्ट आपको वो ईमेल कंफर्मेशन के लिए कहेंगे। आप लोगों ने सिंपल से अपनी जीमेल आईडी पे जाना है और अपनी आईडी को कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करोगे, नेक्स्ट आप इस पेज पे आके लैंड हो जाओगे। सो गाइस, ये है न्यू इंटरफेस जिसे हम मेटा बिजनेस सूट्स कहते हैं या स्वीट्स कहते हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपका दिल कर रहा है प्रोनाउंस करो इसे। अब इधर सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो भी बिजनेस मैनेजर बनाया है उसको आप लोगों ने ऊपर से मेक श्योर करना है कि वही सिलेक्टेड है। आप लोगों ने इधर मैंने मल्टीपल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो आप लोगों ने अपना जो भी क्रिएट किया होगा इधर से आप लोगों ने ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है। अब इधर ऑल टूल्स में अगर आप आओगे तो इधर सारे के सारे टूल्स शो होने वाले हैं आपको मेटा बिजनेस स्विच के। उसके बाद नीचे आ जाता है सेटिंग्स का, हम लोग सेटिंग में आ जाते हैं। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगे। अब नीचे इधर मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, ये इंटरफेस भी आपको देख लो। अब नीचे इधर मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एसेट्स का, हम लोग इधर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ एसेट्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स है, एड अकाउंट है, आप लोग इधर सारे के सारे कनेक्ट कर सकते हो अपने। उसके बाद एक नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है बिजनेस सेटिंग्स का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो नया पेज खुला है इसको हम कहते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, जो कि ओल्ड इंटरफेस है। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, भाई कोई फर्क नहीं है। इसको बिजनेस मैनेजर जो है ये थोड़ा ओल्ड इंटरफेस है, बिजनेस सूट जो है जो नया इंटरफेस है। नॉर्मली जब मैं एड्स वगैरह रन करता हूँ तो मैं बिजनेस मैनेजर को यूज करता हूँ, और बाकी अपना मेरा जो भी कंटेंट वगैरह होता है वो मैं इधर से मेटा बिजनेस स्वीट से हैंडल करता हूँ, जो कि हमारे आगे फेसबुक पेजेस वगैरह और इंस्टाग्राम पेजेस वो सारे इधर से हैंडलिंग होते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। बिजनेस मैनेजर में आता हूँ, इधर भी सेम वही ऑप्शन है, पीपल का, पार्टनर्स का, सिस्टम यूजर्स का, पेजेस का, और इधर भी आप लोग देखो सेम वही ऑप्शन है। अब इधर पहले नंबर पे पीपल्स, इसका क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी क्लाइंट को अपने पेज की एक्सेस देनी है, तो क्या आप उसको आईडी पासवर्ड देते फिरोगे, भाई राजो यार इन चीजों से। हम लोग क्या करेंगे, इधर पीपल्स वाले सेक्शन में आएंगे, इनवाइट पीपल का इधर बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप लोग, और इधर से आप लोग उसको इनवाइट भेजोगे। ओके, इधर उसके आप लोग ईमेल आईडी डालोगे और उसको आगे एक्सेस जो भी देना चाह रहे हो, एडमिन की एक्सेस देनी है सिंपल, आपने उसको एडिटर की एक्सेस देनी है, जिस चीज की भी एक्सेस देनी है आप उसको एक्सेस दे देनी है। अब ये जो आईडी पासवर्ड वाले जी ना, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ यार अपने काम में। अच्छा, ये चीज होगी। सेकंड नंबर पे आते हैं, ये पार्टनर्स वाला ऑप्शन है। अब इसका क्या काम है, फॉर एग्जांपल आप किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप एजेंसी को क्या करोगे, हर बंदे को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस देते फिरोगे और उसको आप लोग पीपल्स में जाकर लहदा लहदा ऐड करते जाओगे, बिल्कुल नहीं। आप उस एजेंसी को इधर पार्टनर्स की एक्सेस दे दोगे, आगे वो उसकी हेड क्या है, उसने एडिटर कोई हायर किया हुआ है, एडिटर को वो अपनी एक्सेस अपने हिसाब से दे देगा, ग्राफिक डिजाइनर है उसको अपने हिसाब से एक्सेस दे देगा, इसी तरीके से वो अपने जितने भी आगे क्लाइंट्स होंगे उनको अपने हिसाब से आगे देता जाएगा, वो उसकी हेडिक हो जाएगी। आपने सिंपल से पार्टनर्स में आके उसको पार्टनर की एक्सेस दे देनी है, नेक्स्ट आगे अपने हिसाब से वो डील करता रहेगा। अब इसका ये काम है। सेकंड नंबर पे नीचे आते हैं, इधर आता है पेजेस का सेक्शन। अब पेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ, इधर मैं आप लोग अपने पेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो।
अभी फिलहाल मैंने कोई पेज नहीं ऐड किया हुआ, इधर आप लोग अपने पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं इस सेक्शन में आके। नेक्स्ट आता है ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट में आके अपना ऐड अकाउंट आप लोग इधर ऐड कर दोगे, नीचे बिजनेस एसेट्स आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और व्हाट्सएप अकाउंट्स। इधर आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट आगे कनेक्ट करो, देखो ये सारी चीजें आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो, स्क्रीन फटने नहीं वाली, इसको आप लोग स्क्रॉल करो। उसके बाद नीचे आ जाता है डेटा सोर्सिंग, ब्रांड सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन, और इधर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलिंग एंड पेमेंट्स। इसको हम एक डिटेल लेक्चर में आगे जाकर कवर करेंगे कि बिलिंग पेमेंट किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बिजनेस इन्फो, इस पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब इधर आप लोग अगर स्क्रीन पर देखो तो इधर बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस आ रहा है अनवेरिफाइड। अब हमारे जो बिजनेस अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, डिसेबल क्यों होते हैं, सबसे मेन रीजन यही होती है कि हम वेरिफिकेशन करते नहीं है और एड चलाने की करते हैं। फेसबुक को सस्पिशियस काम लगता है, वो हमारा जो बिजनेस मैनेजर है उसको सस्पेंड कर देता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, सारे काम छोड़ के आप लोगों ने इसको वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का तरीका कार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इधर आपने अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका लीगल बिजनेस नेम पूछ रहा है, एड्रेस है, फोन नंबर है, वेबसाइट है। उसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं आपको, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इधर ये सारी डिटेल्स आपने डालनी है और इसको आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। दोबारा बता रहा हूँ, लाजमी से वेरिफिकेशन कर लेना, फिर ना कहना मेरा बिजनेस मैनेजर से स्पेंड कर दिया है फेसबुक ने। सो गाइस, ये था बिजनेस मैनेजर और बिजनेस सुइट्स। आई होप कि आप लोगों को दोनों में अब जो कंफ्यूजन थी वो दूर होगी होंगी आपकी। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड एसेट की तरफ, जो कि है हमारा एड अकाउंट। जी हाँ, हमारे पास अगर एड अकाउंट नहीं होगा तो हम लोग एड कैसे चलाएंगे, तो चले चल के देखते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर कि एड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अब सिंपल से एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में दोबारा से आ जाना है। उधर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा एड अकाउंट का, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इधर आप लोगों को ऊपर एक एड का बटन मिल रहा है, उस पर क्लिक करोगे। इधर एड पे क्लिक करोगे तीन ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा एड एन एड अकाउंट, आप लोग ऑलरेडी अगर कोई एड अकाउंट है तो उसको आप एड कर सकते हो। सेकंड नंबर पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट, अगर आप किसी से एक्सेस लेना चाह रहे हो, आपका कोई क्लाइंट है उससे आप लोग एड अकाउंट लेना चाह रहे हो तो उससे आप लोग इधर से एक्सेस ले सकते हो। थर्ड नंबर पे क्रिएट वाला आता है, तो हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे क्लिक करोगे न्यू विंडो आ जाएगी। इधर सबसे पहले वो आपसे एड अकाउंट का नाम पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने नाम दे देना है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम जोन, उसके बाद करेंसी है, करेंसी भी आप लोगों ने जिस कंट्री में एड चलाना चाह रहे हो, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी वो रखोगे, अगर किसी और कंट्री से हो तो उधर की आप लोग करेंसी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो खुल जाएगी। अब इधर वो आपसे पूछेंगे हु विल दिस एड अकाउंट यूज फॉर, पहले नंबर पे माई बिजनेस है या अनदर एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो आप लोग कहोगे माई बिजनेस, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। उसके बाद सिंपल से टिक करने के बाद क्रिएट के आप लोग बटन पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट आपके सामने वो उसे आपकी एक्सेस मांगेगा कि किस किस को आप एक्सेस देना चाह रहे हो। उसके बाद आपके सामने अगर जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहो तो ऑलरेडी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने मैनेज एड अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है, सारी एक्सेस दे देनी है। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद एड पेमेंट इन्फो का आपको ये कहेगा, आप लोगों ने नेक्स्ट पेमेंट वगैरह ऐड करनी है। वो हम नेक्स्ट आगे चल के देखते हैं डिटेल में कि कैसे पेमेंट शेमेंट करनी है और बाकी चीजें। सो गाइस, फाइनली हमारा जो एड अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।